सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नेतृत्वकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें आप लगातार बैनरों में देख रहे हो। आप देख रहे हो इंजीनियर डीसी कपिल साहब को, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के। आप देख रहे हो दूसरे हमारे तमाम नेता जो हैं वो लगभग सब आ चुके हैं, और मैं उनसे भी बात कर आप तक बताऊंगा कि आखिर ये आज जमा होने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। बताएंगे वो तमाम नेता कि अब तक के उनके संघर्षों के बाद परिणाम क्या मिला, और आज वो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के सामने क्यों जमा हुए हैं। दिंगान साहब, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपसे, आइए, आज आप लोग यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने जमा हुए हैं, अब तक तो हल्ला हंगामा करते थे, इनकलाब जिंदाबाद करते थे, आज क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, जो आंदोलन है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में है, जिसकी अगुवाई धम्माचार्य कपिल जी कर रहे हैं, हाफिज़ गुलाम सरवर जी कर रहे हैं, महमूद प्राचा जी कर रहे हैं, और हमारे राजेश घागड़ जी कर रहे हैं, राजेंद्रपाल गौतम कर रहे हैं, भानु प्रताप जी कर रहे हैं, और स्वयं मैं राजकुमार दिगान ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का चेयरमैन होने के नाते आपको बताना चाहता हूं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, मार्शल हैं, बीएसईएस वाले हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये इस उम्मीद पर यहाँ आए हैं कि जैसे आपने देखा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, और इस विधानसभा सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने व पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी ने एक प्रस्ताव रखा कि इनका नियमितीकरण होना चाहिए। आज जो मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रस्ताव है वो एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव हम यहाँ रखने के लिए आए हैं, उनका धन्यवाद करने आए हैं, और ये कहने के लिए आए हैं कि यदि एलजी साहब इसमें अपनी अप्रूवल नहीं देते हैं, इसको अमली जामा नहीं बनाते हैं, तो अगला जो आंदोलन है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट है। जब तक ये कर्मचारी पक्के नहीं होंगे ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। मैं आपको बात एक और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, और उसको देखते हुए हमने चुनिंदा लोगों को यहाँ बुलाया है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आने वाले हैं, और हमारे भानु प्रताप जी आने वाले हैं, डीसी कपिल जी यहाँ मौजूद हैं, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिएगा, जिस बैनर तले ये आंदोलन है उस बैनर के तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ मौजूद हैं। अभी कुछ लोग आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली पुलिस का, मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम मैनेजमेंट का कि आपने परमिशन ग्रांटेड किया कि हम आंदोलन करें। देख लीजिए, आक्रोश आंदोलन के साथ साथ एक धन्यवाद आंदोलन भी है, जिसमें हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करने आए हैं कि कम से कम आपने अपनी सरकार के माध्यम से इस प्रस्ताव को सदन में रखा, हाउस में रखा और विधानसभा में रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब जो विधानसभा में चर्चा हुई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि तब होती है जब काम हो जाए, उस पर अमली जामा, उस कार्य को पटल पे लाया जाए, उसको स्ट्रिक्टली। यदि दिल्ली के एलजी आज मजदूरों की बात नहीं मानते, दिल्ली सरकार की बात नहीं मानते हैं, तो मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा, दिल्ली के तमाम विधायकों से गुजारिश करूंगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा, जिस प्रकार से हम आंदोलन कर रहे हैं, यदि एलजी साहब इसको अमली जामा नहीं पहनाते हैं तो हम लोग दिल्ली के विधायकों के साथ एक आंदोलन करें, और दिल्ली सरकार इसमें हमें समर्थन करें, हमें सपोर्ट करें। और विनोद जी, आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा, पहले तो मैं आपके चैनल देश की सच्चाई, जो कि देश में सच्चाई का काम करती दिखाने का, मैं उसका धन्यवाद करूँगा। और मुद्दा बहुत ही खुशी का है, जो खुशी की लहर सदन से उठी, हम चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर भी इस खुशी की लहर पर मोहर लगा दी जाए, और जितने भी हमारे प्राइवेटेशन वाले लोग हैं, जितने भी ये लोग खुशी से आज यहाँ पर धन्यवाद करने आए, किसी आक्रोश में नहीं आए ये लोग, ये लोग दिल्ली के लाडले सीएम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि सदन में उनके मंत्री आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी ने जो आवाज़ उठाई कि ठेकेदारी वाले लोगों को और जो भी कच्चे लोग हैं उनको पक्का किया जाए, मैं रमेश विदुड़ी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पॉइंट को शुरू किया, इस चिंगारी को उठाने की आवाज़ को उठाने का काम किया, और उसको सहारा देते हुए आदरणीय राजेंद्रपाल गौतम जी पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सदन में इतिहास रचने की बात करी, और मैं चाहता हूँ कि इस इतिहास को लोकसभा के अंदर मोहर लगाकर रच दिया जाए, और वो बीजेपी को और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस, तीनों ही सत्ताधारी पार्टियों को हम
माला पहनाना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हम रमेश भिदूड़ी जी का, जिन्होंने कम से कम इन गरीबों की पीड़ा पर पीड़ा को समझते हुए इनके दुखों पर मरहम रखने का काम किया। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी और आतिशी जी, मैडम आतिशी जी, और हमारे आदरणीय लाडले CM मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने उनके इस आदेश को बहुत ही उनको आदर किया और उसको सभा के अंदर जो है प्रस्ताव पास करने का काम किया, और लोकसभा के अंदर कुलदीप कुमार जी जो हमारे चहेते विधायक कौन पूरे धरने प्रदर्शन में कुलदीप जी सबके साथ बहुत विशेष भूमिका जो रही कुलदीप कुमार उर्फ मोनू जी की, उसको याद रखने वाली बात है कि एक इतिहास रच दिया जिन्होंने 585 लोगों का, जबकि उनका डिपार्टमेंट नहीं था, उनकी विधानसभा नहीं थी, उनका कुछ नहीं था, लेकिन गरीबों की जो उनकी जो दुख था वो उनके कानों तक गया, उन्होंने मरहम रखने का काम किया। 585 को तुरंत प्रभाव से मिनिस्टर, अपने हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी से मिलकर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कुलदीप जी का, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी का, वे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का, और अब मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा के अंदर इस प्रस्ताव को पास कर इसको जो है अंजाम दे दिया जाए। ठेकेदारी हटाओ, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आप लोग एक साल से भी अधिक हो गए समय संघर्ष कर रहे हैं, अब क्या आपको लग रहा कि आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच चुकी है? बिल्कुल, देखिए हमारे जो मजबूत स्तंभ है आदरणीय इंजीनियर DC कपिल जी हैं, आदरणीय राजकुमार दिंगान जी जो कि पूरी दिल्ली के जो है दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के चेयरमैन हैं, आदरणीय राजवीर सिंह चावरिया जी, मोती जायसवाल जी, सुनील बालगुहेर जी, मैं स्वयं विनोद संगत, राजेश गागड़ जी, ये सब मजबूत स्तंभ हैं जो लगे हुए हैं, और इन्होंने ही इस ये इतिहास रचने का काम किया कि कैसे भी इन्होंने अपनी बात को दिल्ली सरकार तक पहुंचाया, दिल्ली सरकार ने उस बात को जो है बिल्कुल सर बिल्कुल उसको आदर दिया, और आज 585 जो पूरी दिल्ली की डिस्पेंसरियों के लोग हैं वो अपनी ड्यूटियों पर है। हाँ, थोड़ी समस्या आ रही हैं, वो समस्या भी हल होंगी, अभी उनकी सैलरी नहीं हुई है 2 महीने से वो लोग कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, सब्र भी करना होगा। दिल्ली सरकार पर भरोसा है? बिल्कुल, दिल्ली सरकार पर भी भरोसा है, हमें केंद्र सरकार पर भी भरोसा है, क्योंकि गरीबों के हक में ये लोग जो हैं आज राजनीति कर रहे हैं, और गरीब ही नहीं रहेगा तो ये राजनीति किस बात की करेंगे, और कहीं ना कहीं अपना काम दोनों बार केंद्र में भी किया जा रहा है, और दिल्ली सरकार तो अपना काम बखूबी कर ही रही है, और हम ये चाहते हैं कि आप ये काम करिए, आपको वोटों की झड़ लग जाएगी, आपको इनकी दुआएं मिलेंगी, आप लोगों के लिए ये लोग जो है ना अपने दरवाजे खोल देंगे स्वागत के लिए, तो ऐसा काम कीजिए जो जनहित में देश हित में हो, और आपको ऐसे ही आदर मिलता रहे। मैं धन्यवाद करता हूं फिर एक बार दिल्ली सरकार का।